ग्राउंड जीरो पे असम चले चल रहे हैं, गुवाहाटी में मनोज्ञा मौजूद है। मनोज्ञा, जो रुझान है इसमें बीजेपी की सरकार बिल्कुल बनती हुई दिख रही है, चूंकि 78 में से 51 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर, एआईयूडीएफ 8 सीटों पर आगे चल रही है। ये मैसेज बीजेपी के लिए इतना बड़ा है या देश के लिए, क्योंकि असम में बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से आगे चल रही है, सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या है वहां पर गुवाहाटी में प्रतिक्रिया मनोज्ञा? गुवाहाटी में कांग्रेस ऑफिस हम गए थे, जहां पर कांग्रेस के मुश्किल से आधा दर्जन नेता नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है वहां पर। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरा कंट्रोल रूम खोल रखा है, एक के बाद एक आला नेताओं का तांता लगा हुआ है, वहां पर आने जाने की प्रक्रिया जारी है और वहां पर बैठ के कंट्रोलिंग हो रही है कि आखिरकार किस सीट पर कौन नेता कितना काबिज है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ वही नेता नहीं बल्कि मंत्री रकीबुल हुसैन भी इस समय पीछे चल रहे हैं, हालांकि बदरुद्दीन अजमल आगे चल रहे हैं, लेकिन ये जो नेताओं की जो कड़ी है इसमें अब मंत्रियों की कड़ी भी जुड़ गई है जो पीछे चल रहे हैं। तो रुझान है ये बता रहे हैं कि आखिरकार किस ओर या किस करवट ऊंट बैठ रहा है, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा वोटिंग जो हुई थी, जो एनआरसी रजिस्टर की वजह से हुई थी, साथ ही साथ बीजेपी के लिए जो वोटिंग का फायदा रहा है इस पूरे प्रकरण में, हमने देखा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि न कि 80% से ऊपर असम में वोटिंग हुई है। गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम रहा हो, यहाँ पे 4 तारीख और 11 तारीख को जो वोटिंग है, जो बम्पर वोटिंग है, वह बम्पर वोटिंग बीजेपी के फेवर में पूरी तरह नजर आ रही है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भले ही सुबह मंदिर, चर्च, मस्जिद सब होकर आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सर्वानंद सोनोवाल की पूजा ही सफल दिखती नजर आ रही है। चलिए एक दूसरा दृश्य दिखलाते हैं, जयललिता के घर के बाहर, पोश गार्डन। निशांत निशांत, हमारी आवाज अब तक आ रही है? दरअसल निशांत आप वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि जयललिता के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का तांता बढ़ते चला जा रहा है। 83 सीटों पर एआईडीएमके आगे चल रही है, डीएमके सिर्फ 48 सीटों पर। हालांकि अभी 137 सीटों के ही रुझान आए हैं, लेकिन एआईडीएमके जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो बहुत ही आसानी से हम कह सकते हैं कि 117 सीट चाहिए होते हैं बहुमत के लिए, उस तक तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि 85 सीटों पर आगे चल रही है और अभी भी एक लिहाज से लगभग 94-96 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। तो बहुत साफ तरीके से जयललिता शुरुआती रुझान में उनकी सत्ता नहीं जा रही है, वहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं है, हालांकि ठीक बगल में केरल में सत्ता परिवर्तन है। और ये मैसेज कहीं ना कहीं जिसका जिक्र एमजे लगातार कर रहे हैं कि दरअसल दो धाराएं हैं क्या भौमिक साहब? हम अच्छा निशांत आवाज आ रही है हमारी, तो बताइए और दिखाइए। इस वक्त आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये एआईएडीएमके के दफ्तर से है, यहाँ पर देखें लोगों को, आप इस जोश को देखें, एक सामने स्क्रीन पर लोग निरंतर देख रहे हैं, ये इन लोगों से बात करते हैं। अम्मा की जीत के पीछे की वजह क्या? अम्मा आगे जो भी बोला पूरा करके दिया, सब घरों में है, टीवी है, फ्रिज है, फैन है, फ्री चावल डाल रहा है अम्मा, 1 लाख रुपए शादी को दे रहा है, सोना दे रहा है, पढ़ने के बच्चों को साइकिल दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, इसलिए अम्मा को सब भी चाहने वाले है, अम्मा को सब कुछ चाहने वाले है। एक एक यहाँ पर हमारे साथ एक मैम है, उनसे बात करते हैं। मैम, what do you think, why has Amma won, what is the reason? I'm told that ladies are more safer when she's governing, is it true? Definitely, because the honorable chief minister of Tamil Nadu Purachi Thaivi Amma has ensured that the law and order situation in Tamil Nadu is perfect, and also she has done lot of welfare measures, and there is no current electricity supply is in abundance, and also there is no water problem in Tamil Nadu, and because of so many other measures like the Kaveri issue, Mulai Periyar issue and the NLC issue, so many things she has won for Tamil Nadu. क्या अम्मा के आने के बाद, जयललिता जी के आने के बाद कानून व्यवस्था अच्छी होगी? और बहुत अच्छा होगा, पुलिस कंट्रोल में रहेगा, चोर लोग पूरा तमिलनाडु छोड़ के आंध्रा, कर्नाटक, बिहार उधर भाग जाएगा सब लोग। अभी यहाँ पर आपको लेके जाते, देखिए थोड़ा यहाँ पर देखिए आप लोगों में जो जश्न है, जो जोश है, ये देखिए आप बार बार ये स्क्रीन में, ये नॉन स्टॉप अलग अलग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये। ये देखिए आप लोगों का ये जो जोश है वो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक और बात है यहाँ पर, जो महिलाओं का जो
वोटिंग नंबर्स हैं वो पुरुषों से ज्यादा है स्टेट में। यूथ की बात की जाए तो यूथ के लिए स्टालिन एक अपील कर रहे थे, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे लग रहा है सब कुछ उलट हो गया है। क्या यही वजह है कि जयललिता ने बड़ी देर से कैंपेनिंग शुरू की, हर चीज बड़े इत्मीनान से की कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है? अपने आप में एक सवाल है, लेकिन ये जो लोग हैं, एक्सक्यूज मी, सो अम्मा इज वन, अम्मा इज पावर पावरफुल 224 அம்மா உகதா வெற்றி நமக்கே ஒண்ணே அம்மாவின் சம்மாவின் புரோகின் தலைவே புரட்சி தலைவி சார் மேரா மேரா மான பூரா பூரா தமிழ்நாடு கோ பூரா பூரா நம்பர் 1 करके लेके आ सकता है ठीक है। बताइए क्या कह रहे हो सर। मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक ही हाँ बताइए क्या कह रहे हो सर। मैं एक ही बात इस तमिलनाडु को बोलना चाह रहा हूँ, इस पूरा तमिलनाडु को मेरा मान है ऊपर लेके आ सकता है, इस तमिलनाडु को अच्छी तरह से पूरा पूरा आदमी लोग को सब कुछ का फायदा कर सकता है। ये अम्मा आएगा तो पूरा आदमी लोग का एक एक हर इंसान को क्या क्या चाहिए, क्या उसका लाइफ में क्या क्या चाहिए सब कुछ दे सकता। ये देख रहे हैं आप, और अगर आपको इसके ठीक पीछे इसको ठीक पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप सड़क पे अभी क्या हाल है। ये ऑफिस के बाहर, मैं कहूंगा मेरे कैमरामैन थोड़ा सा बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं। ये देखिए आप, ये इस वक्त बाहर का हाल है, काफी पुलिस लगा रखी है, इस तरफ काफी पुलिस है, उस तरफ काफी पुलिस है, और यहां पर जो जयललिता है उनके जीत का जिसको कहते हैं जश्न मनना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले पटाखे भी फोड़े गए हैं, बार बार ये तस्वीरें अब यहां पर हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन उम्मीद यही है, मतलब ऐसी आशंका है कि अब थोड़ी देर में डीएमके के दफ्तर पे शायद पूरा सन्नाटा होगा और सारी रौनक तो यहीं पे आती दिखाई दे रही है। यकीनन जिस तरीके से जयललिता की पार्टी 94 सीटों पर आगे है, 150 के रुझान आ चुके हैं, डीएमके सिर्फ 51 सीटों पर आगे है, संकेत बहुत साफ है जयललिता की सत्ता बरकरार रहेगी तमिलनाडु में, और करुणानिधि के साथ खड़ी कांग्रेस को भी तगड़ा झटका लगा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को कहीं लगा है तो असम में, और सबसे बड़ा लाभ अगर कहीं पर बीजेपी को मिला है तो वो असम में ही। 56 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है 86 में से, यानी एक लिहाज से अगर समझें तो वहां पर बहुमत के लिए जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सीट बीजेपी जीत लेगी। लेकिन बीजेपी ने विस्तार अपना किया है पश्चिम बंगाल में, 11 सीटों पर वो आगे चल रही है, और लेफ्ट और कांग्रेस जिस तरीके से सिमटे हैं, क्या वाकई बाला अब भी लेफ्ट का कोई नेता हेडक्वार्टर में नहीं है, सन्नाटा है, डरे हुए हैं सभी, क्या स्थिति है? प्रसून एकाध नेता यहां पर आए हैं, सूर्यकांत मिश्रा जो हैं यहां पर सीपीएम के बड़े नेता जो पश्चिम बंगाल के वहां पर आए, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि कैमरों से बचते हुए चले गए। जब बहुत हम लोगों ने पूछने की कोशिश की तो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जब अभी ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जब नतीजे आएंगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जो स्थिति है उसमें लगता है कि उनके पास बोलने को कुछ है भी नहीं है, ज़्यादा लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल आप अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ यहाँ पर आपको माहौल दिखाए तो जो मीडिया के लोग हैं उसके अलावा कोई भी नहीं है, जो यहाँ जो स्टाफ हैं वो भी बेचारे मायूस है, किसी कोने में दुबके हुए हैं, किसी के पास ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है। जो स्थिति जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो जैसा इन लोगों ने सोचा था लेफ्ट पार्टीज ने, उससे ज्यादा बदतर स्थिति है। उनको उम्मीद थी कि कम से कम अगर वो हार भी जाएं तो एक रेस्पेक्टेबल नंबर के पर आकर रुकेंगे, पर ऐसा नहीं लगता है कि वो रेस्पेक्टेबल नंबर 100 के आसपास भी आकर पहुंच पाएंगे। इस बात पर चर्चा शुरू हो रही है, कुछ खुशमसाट शुरू हो रही है कि क्या कांग्रेस के साथ जो तालमेल किया गया उसमें देरी हुई। जैसा कि को पता है कि शुरू में दोनों कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी इस तालमेल को लेकर असमंजस में थे, बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, तो इस बात पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल यहां पर साफ हो गई है कि जिस तरह के नारदा शारदा और या कोलकाता में जो पुल गिरा था, ऐसे मुद्दों को उठाया था लेफ्ट पार्टीज ने, वो कहीं पर काम नहीं किया है, वो काम नहीं आया है। और लेफ्ट पार्टीज की ये भी चिंता है कि अगर इस तरह के मुद्दे जिस पर उनको बड़ा भरोसा था कि ये काम आएगा, कम से कम शहरी इलाकों में इसका असर जरूर होगा, वो जिस तरह के नतीजा आए हैं उससे लगता है कि उसका कहीं कोई असर नहीं हुआ है, और लेफ्ट पार्टीज के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे वो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लोकसभा चुनाव के में क्या लेकर जाएंगे। तो ये जो तस्वीर उभर रही है लेफ्ट पार्टीज के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंता वाली तस्वीर है।
जिस तरीके से गठबंधन का जिक्र लगातार कांग्रेस कर रही थी उसमें कांग्रेस के लिए भी झटका और लेफ्ट के लिए भी झटका, लेकिन सन्नाटा जिस तरीके से अगर कोलकाता में पसरा हुआ है तो दूसरी स्थिति गुवाहाटी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्या स्थिति है, मनोज्ञा जरा दिखा दीजिए और बता दीजिए। पिछले 15 वर्षों से भले ही कांग्रेस असम में सत्ता में काबिज हो, लेकिन आज जब चुनाव का दिन है, जब मतगणना का दिन है, राजीव भवन में सन्नाटा पसरा है। मैं इस समय हूं गुवाहाटी के राजीव भवन में, जिसे कांग्रेस की पहचान माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए कांग्रेस की पहचान इस समय ये हो रखी है कि यहां पर एक व्यक्ति नहीं है। सुबह का समय है, मतगणना शुरू हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों में देखा जा रहा है या बाकी रीजनल पार्टीज के ऑफिस में देखा जा रहा है वो यहाँ नहीं है। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है और यही बताता है कि कांग्रेस ने फिलहाल क्या हार मान ली है या फिर रुझान का इंतजार कर रहे हैं या परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बार बार कहा है कि वो जीत का परचम लहरा के मानेंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर यहां से उभरेंगे, लेकिन आज सूरज नहीं निकला है असम में, सुबह से ही बारिश हो रही है। तो क्या ये बारिश किसी चीज का संकेत है और क्या संकेत है? ये रुझान आने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन मतगणना के साथ साथ परिणाम ये बताएगा कि आखिरकार कौन बैठेगा असम की सत्ता पर काबिज होकर। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गुवाहाटी, असम, आज तक। तो इधर सन्नाटा है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी यानी टीएमसी के दफ्तर का हाल भी हम आपको दिखला देते हैं। स्मिता जरा दिखाइए। ममता बनर्जी के घर के बाहर परिणामों के आने के पहले से ही अब खुशियों की लहर दौड़ने लगी है। यहाँ लोग नारे लगा रहे हैं, क्यों सूर्य क्यों नहीं उगेगा, सूर्य उठ बना तो डूब गया, डूब गया, डूब गया, किसका सूर्य डूब गया, बहुत दिन से डूब गया, पहले किसका सूर्य डूब गया, बम्बट का डूब गया, डूब गया, वामपंथियों का सूर्य डूब गया, और भी ममता बनर्जी को कितने सीट मिलेंगे? हाँ, ममता बनर्जी को बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, क्योंकि जितना दिन सूर्यकांत मिश्रा ने बताया था विकेट गिरेगा, उसको पता नहीं था विकेट तो गिर रहा है पर ममता की नहीं, उनकी विकेट गिर रहा है। आप शंख क्यों बजा रही हैं? आनंद है दीदी, जय जन्न जिंदाबाद ममता बनर्जी, जिंदाबाद समाजवादी मानुष, जिंदाबाद। तो आप दिन चढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जश्न का माहौल भी बढ़ता जाएगा। कालीघाट में वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीर विश्वास के साथ स्मिता शर्मा, कोलकाता, आज तक। तो उत्साह देख सकते हैं ममता बनर्जी के घर के ठीक बाहर का ये उत्साह है, जहां शंख भी फूके जा रहे हैं, हंगामा भी है। कांग्रेस दफ्तर में गुवाहाटी में सन्नाटा है, लेफ्ट के हेडक्वार्टर कोलकाता में वहां पर भी सन्नाटा है। ये सारी परिस्थितियां मणिशंकर अय्यर जी, क्या ये स्थिति कांग्रेस के लिए सबसे दुखद है, क्योंकि सुपड़ा साफ है कमोवेश हर जगह कांग्रेस का? मैंने सुना, हमने दिखाया, मैंने सुना अभी बीजेपी के तरफ से, हाँ, कि ये कांग्रेस आईसीयू में नहीं है, मर गई है। अच्छा, ये मैं मानने को तैयार नहीं, मरी नहीं, आईसीयू में है। मुझे याद आया, नहीं, आपके जो सहयोगी चैनल है उस पर मैंने सुना अभी। अच्छा, और ये भी बताया जा रहा है कि अब बहुत दुखद आपकी हालत है। दुखद तो है ही, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि जमाना था जबकि बीजेपी को लोकसभा में 2 ही सीट थे, और यदि वो उभर कर आ सकते हैं तो हम भी अपना प्रयास जारी रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ना भूलिएगा कि 2 राज्य हैं इनमें या 3 राज्य हैं इनमें जहाँ की कांग्रेस कभी भी सत्ता के बारे में सोच नहीं सकती थी अरसों से, बंगाल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। अब हम उम्मीद रखते थे कि केरल में हम दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ हालत ये रही है कि हर इलेक्शन पर बदलाव होता है, हालांकि वोटों का जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा सा अंतर हो और बहुत बड़ी हार हो जाती है। तो कांग्रेस वहाँ है, ये नहीं कि कल जबकि हम सत्ता में थे या आज जो कि हम सत्ता में हैं कि अब कल तक हम मर जाएंगे। हम कहीं आईसीयू में नहीं गए केरल में। बंगाल में तो हमारी हाल सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने से बहुत बुरी है और रही है बुरी। तो हम पिछले 50 साल में वहाँ इतने शक्तिशाली हैं कि वामपंथी पार्टियाँ हमसे जुड़ना चाहती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी हैसियत बनती है वहाँ वेस्ट बंगाल में।
और पुदुचेरी में वही हाल है जो कि तमिलनाडु में है कि सन 67 के पश्चात हम तो कभी भी सत्ता के निकट नहीं गए। मैं आपको टोक रहा हूँ, पुदुचेरी में आप आगे चल रहे हैं जो भी तक पुलिस थोड़े बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन वो AINRC जो कांग्रेस की पार्टी है वो तो एक डिसिडेंट है। वैसे ही बंगाल में भी देखिए, मुझे लगता है कि जो बंगाल में हमने सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि सीताराम केसरी के ज़माने में ममता को भगा दिया, मैं भी उनके साथ भागा। मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ तृणमूल कांग्रेस का, मैं उनका पहला नेशनल सेक्रेटरी था। तो हम जानते हैं कि उस ज़माने में यदि ममता को अपने साथ रखते तो शायद आज कांग्रेस के नाम पर चलता। और वैसे ही NR की बात है वहाँ पुदुचेरी में। जहाँ तक कि तमिलनाडु का सवाल है, जब से कि द्राविड हैसियत की बात, आइडेंटिटी की बात आगे बढ़ी और ये हिंदी अंग्रेजी मामले में 1965 से हम हारने लगे, तब से हम वापस नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन गजब की बात है कि इतने अरसों के पश्चात कोई गांव नहीं है जहाँ की कोई ना कोई कांग्रेस के झंडे के साथ खड़े होने को तैयार न हो। नहीं, लेकिन स्ट्रेटजी में गलती हुई है ना, स्ट्रेटजी में ये गलती दूसरा हिस्सा इसमें जोड़ लीजिए, या दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये मोदी गवर्नेंस की भी जीत है, वो बहुत साफ तौर पे कह रही है असम में, क्योंकि असम में जिस तरीके से आप सिर्फ 17 सीट पर आगे चल रहे हैं सर, और केरल में आपकी सत्ता गई, LDF आ गई वहां पर। मैं तो अच्छा असम लें पहले, मुझको असम में लगता है कि गलती हमारी सबसे आगे ये थी कि गठबंधन नहीं बनाया AUDF के साथ, कि एक तो AIUDF से नहीं बनाया और जो बोडो पीपल्स फ्रंट हमारे साथ था वो उसको हमने हाथ छोड़ दिया, AGP को भी बना। यदि इन दो, अब जबकि हम जानते थे कि सन जो पहला इलेक्शन हुआ इससे पहले वहाँ AIUDF के होने से, जो जिसके साथ हमने सरकार बाद में बनाया, और बोडो पीपल्स फ्रंट जिसको हमने खींचा अपने साथ, इनको हमें रखना चाहिए था, ये हाथ से छूट गया। तो यदि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम महागठबंधन बनाएं जैसा कि बिहार में बनाया था, तो तब आगे से ही जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और इसका नतीजा हम आज देख रहे हैं बंगाल में। अपने बंगाल में क्योंकि हमने गठबंधन बनाया, महागठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन जो गठबंधन बनाया उसका नतीजा ये है कि न केवल हमारे सीट आगे बढ़े जहाँ की होते यदि हमारा गठबंधन नहीं होता, और लेफ्ट का भी वही हाल है। तो इसको हमें कंसोलिडेट करना चाहिए और आगे 2019 को ले जाना चाहिए। और तमिलनाडु में गजब की बात है कि जिस DMK ने हमारा हाथ छोड़ा 2 साल पहले वही वापस आया हमारे पास, और हालांकि सीट में काफ़ी अंतर है। आप ही के सिस्टर चैनल में मैं अभी सुन रहा था कि वोटों का अंतर बस 1% का है, तो ये रुझान है और जाहिर है रुझान है, लेकिन रुझानों में केरल में 140 सभी सीटों का, सभी सीटों का रुझान आ गया है और वहां पर LDF की सत्ता बन रही है रुझानों के मुताबिक। 78 सीटों पर आगे चल रही है, UDF 52 सीटों पर, लेकिन बीजेपी का एक सीट का खाता यहां खुलता हुआ नजर आ रहा है, एक ही सीट है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में जयललिता की सत्ता को अब कोई नहीं नकार सकता, बड़ा लंबा गैप है, 47 सीटों का गैप है वहां पर। DMK 60 सीटों पर है तो AIDMK 107 सीटों पर है, लेकिन वहीं असम में बीजेपी 57 सीटों के साथ सत्ता के बिल्कुल, यानी बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल नजदीक पहुंच रही है। वहां पर 95 सीटों में से 57 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस बहुत ही पीछे है 20 सीटों पर, AIDF 12 सीटों पर। क्या हो रहा है इस वक्त? ममता बनर्जी चूंकि बहुत तेजी से ये 200 का आंकड़ा पार होगा, स्मिता वहां पर उत्साह उल्लास शंख सब चीज हम सुन रहे हैं, ममता बनर्जी खुद कब आएंगी घर द्वार? जब तक आपका इंतजार कर रही थी मैं कि आप हमारे पास आए, लोगों ने रंग खेलना शुरू कर दिया और यहाँ हाथों में शंख लेकर थाली बजा, जो एक तृणमूल कांग्रेस समर्थक है ये बाकायदा यहाँ नाच कर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। बारिश हो रही है लेकिन इससे आपका उत्साह कुछ, हमारे बारिश है सुबह, हमारे बारिश सुबह, हमारे बारिश सुबह का जो है ना বৃষ্টি হলে এখন সেলিব্রেশন অন থাকবে, চান করে করে করবো, চান করে করে করবো, রঙে রঙি হুই হ্যায় মহিলাএ, হালাকি মানে সব হরে রঙ কি শার্ট পেন রাখি হ্যায় ওসে বিস চান করে এনজয় করবো। ममता बनर्जी ने क्या काम किया 5 सालों में? क्या बहुत काम किया, बहुत
गरीब लोग तो अपना शौक कैसे मजा लेती हैं ऐसे ममता बनर्जी के जीत का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। बारिश भी शुरू हो चुकी है प्रसून। यहाँ बंगाल में कहते हैं कि बारिश होने से जो है उसे शुभ माना जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के घर के बाहर, क्योंकि इन्होंने मीडिया के लिए कुछ देर पहले जो फूड पैकेट भेजे थे तो उसमें लड्डू पहले से ही शामिल कर लिया था। शायद उन्हें अंदाज होने लगा है कि आज आखिर नतीजे किस ओर जा रहे हैं। प्रसून,